फाइनली गाइस, हम लोग का कोरबा निकलने का टाइम हो चुका है और अभी दोपहर के लगभग 1 बजे हुए हैं और हम लोग इतने इतने भरी दोपहर में, इतने धूप में हम लोग जा रहे हैं कोरबा कुछ काम से। किस लिए जा रहे हैं मैं आप लोगों को वहीं जाके दिखाता हूँ। एंड चलिए निकला जाए, धूप में धीरे धीरे जाएंगे। हम लोग को लगभग 5 बजे तक वहाँ पहुँचना है कोरबा। तो चलिए गाइस चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं इसमें RM5V3 में अनुराग के साथ में। ये है अनुराग, ये भी हेलमेट पहन के रेडी हो चुका है। कभी भी ड्राइव करें, सेफली ड्राइव करें एंड हेलमेट ज़रूर पहने गाइस। हम लोग भी दोनों हेलमेट पहने हुए हैं, ये मेरा हेलमेट और वो उसका। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस छोटो भाई, हेलो, बड़ा नमस्ते, मैं संदीप भगत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैंडी ब्लॉक। तो चलिए चला जाए, रेडी हो गया है और बहुत ज़्यादा धूप है गाइस। तो चलिए निकलते हैं। आगे का रास्ता काफ़ी हसीन और काफ़ी अच्छा है, हरा भरा एरिया है कोरबा का रूट जो है। अब देखते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रूट बनने का काम चल रहा था, तो पता नहीं अब रोड कैसा है। काफ़ी दिनों से बाइक में ट्रैवल तो किए नहीं है, तो मालूम नहीं है रास्ता भी कैसा है उधर का। तो चलिए दिखाता हूँ और देखते हैं। और नेहरू चौक में बाकी जो फ्रेंड लोग हैं हमारे साथ जो जा रहे हैं, उन लोग भी वहाँ वेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नेहरू चौक। तो फाइनली गाइस, हम लोग के साथ जो फ्रेंड लोग आने वाले थे, उन लोग आ चुके हैं। उन लोग 3 लोग हैं, ये बाद में मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इनका नाम बताऊंगा। अभी फिलहाल इन लोग फैशन प्रो में है और हम लोग बीकरी में। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, निकलते हैं कोरबा के लिए कड़ी गर्मी में। और काफ़ी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण एकदम गर्मी भी काफ़ी लग रहा है, लेकिन क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है। और हम लोगों को जो सामान पकड़ना था, हम लोगों ने सामान पकड़ लिया है फिलहाल। तो चलिए चलते हैं। और फर्स्ट बार मैं GoPro यूज़ कर रहा हूँ बाइक में, तो अच्छा फील हो रहा है और वीडियो भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का आ तो रहा है मेरे फ़ोन से। तो कहीं अच्छा वाइल्ड जो वाइल्ड है इसका काफ़ी अच्छा है फ़ोन से। तो जो अभी फर्स्ट में ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा ये GoPro वगैरह, अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, SD Can। हाँ तो सॉरी गाइस, इसका नाम था SD Can, मिनी GoPro बोलना चाहिए हम लोगों। तो गाइस हम लोगों का फ्यूलिंग हो गया है इसमें और उसमें, दोनों में 500 के, दोनों में 500 का डला लिए हैं। तो फिलहाल अभी निकलते हैं और अभी हम लोग बिलासपुर से लगभग 6-7 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं। तो चलते हैं अब डायरेक्ट कोरबा के लिए, अब कहीं नहीं रुकना है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीपत। आप लोग देख रहे होंगे प्लांट दिख रहा होगा अभी। तो गाइस हम लोग फिलहाल जा रहे थे, तो हम लोग को कुछ भाई लोग मिल गए थे जो कि अभी हम लोग सीपत के पास हम लोग को देखे और हम लोग को ओवरटेक करके हम लोग को रुकवाए। और भाई लोग अच्छे से मिले, अच्छे से बात की और कॉन्टेक्ट वगैरह लिए हैं। तो भाई लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए गाइस फिर चलते हैं, हम लोग भी निकलते हैं आगे। और इन लोग भी बगल से पहुँच चुके हैं। तो गाइस ऐसी कुछ सब्सक्राइबर लोग मिलते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है फील, मतलब जो फील होता है ना सब्सक्राइबर मिलने का, वो फील अलग ही होता है गाइस। तो अभी भाई लोग मिले हम लोगों को सीपत में देखे और हम लोगों का पीछा किए और पीछा करने के बाद बगल में आके हम लोगों से रुकवाए और मिले हम लोगों से अच्छे से। भैया आप लोगों का चैनल है, सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़, रुकिए ऐसा करके कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए करके। तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया और चैनल भी सब्सक्राइब करवाया भाई लोगों को। तो चलिए गाइस अब चलते हैं कोरबा के लिए हम लोग के मंजिल की ओर। और भाई लोग काफ़ी पीछे हैं जो हमारे साथ जा रहे थे,
और रास्ता काफ़ी खाली है क्योंकि वो गर्मी का टाइम है, तो उतना गर्मी में लोग सफ़र करना पसंद नहीं करते हैं, या तो शाम के वक्त या तो सुबह के वक्त। Only a fool to let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? So finally guys, हम लोग कोरबा इंटर कर रहे हैं और अभी हम लोग पहुंचे हैं सर्वमंगला। तो फाइनली गाइस हम लोग कोरबा पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग हैं, ये जगह का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है कौन सी जगह है, बट कोरबा इंटर कर चुके हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग को जिस लोकेशन पे जाना है उस लोकेशन का हम लोगों को मालूम नहीं है कहाँ जाना है, तो फिलहाल कॉल करते हैं जिसको मालूम है और लोकेशन भेजने को बोलते हैं, तो उसके बाद फिर अपन अपने लोकेशन में चलते हैं। चलिए गाइस फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से आगे, पहले कॉल कर लिया जाए। पास अभी काफ़ी टाइम है तो गैरेज ढूंढा जाए, एक गैरेज पे यहाँ दिख रहा है ऑटो केयर, विशाल ऑटो केयर, एक बार पूछ लेते हैं अगर मिल जाता है तो। सो गाइस यहाँ हम लोगों को मिल चुका है कोरबा में ये विशाल ऑटो केयर करके आए हैं, तो ब्रेक में। तो फाइनली गाइस अपनी बाइक भी बन गई है, मात्र 10 मिनट लगा ब्रेक चेंज करने में, नया पता नहीं, अब चेक करते हैं ब्रेक लग रहे हैं लग रहे हैं, थोड़े तो पंप करने में थोड़ा दिक्कत होगा लगता है। तो गाइस अभी हम लोग हैं कोरबा के बस स्टैंड में, हम लोगों को होना था फ्रेश, तो एक आध सुलभ ढूंढते हैं कहाँ होगा बाबा। तो फाइनली गाइस हम लोग और अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:30 और हम लोग का जो काम स्टार्ट होने वाला है वो 5:30 से 5:30 फिलहाल हमारे पास अभी फिर भी आधे घंटे का टाइम है, तो चलते हैं कुछ खा लेते हैं और कुछ ठंडा पी लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रहा है और भूख भी लगी है क्योंकि हम लोग सुबह से ही निकले थे। तो साउथ इंडियन डिश खाते हैं गाइस, वही हल्का लगेगा हम लोग को। तो हमने कहा ये आ गया तो खाया जाए, पहले खा लेते हैं, काफ़ी भूख लगी है जोरों से। तो फाइनली गाइस हम लोग जिस लोकेशन पे आना था उस लोकेशन पे अपन पहुंच गए हैं, इस जगह का नाम है पीली कोठी। सो फाइनली गाइस हम लोग का सेटअप रेडी है, ये बिलासपुर सिक्योरिटी सर्विस जिसके लिए अपन यहाँ आए हुए हैं, ये है BSS बिलासपुर सिक्योरिटी सर्विस और एक छोटी सी कंपनी है जहाँ अपन पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके लिए आज हम लोग का ड्यूटी यहाँ लगा हुआ है कोरबा में बिलासपुर सिक्योरिटी सर्विस फ्लैट पार्किंग, जो कि सेटअप सब रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। सो अभी 6 बजे से काम स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए गाइस फिर काम स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आप लोग से काम के बाद डायरेक्ट। और अभी हम लोग का छुट्टी लगभग होगा 12 बजे के बाद, सो बीच में मिलते रहूँगा आप लोग से या फिर डायरेक्ट ड्यूटी के बाद। सो चलिए गाइस मिलते हैं बाद में। हे गाइस तो फाइनली हम लोगों का काम अभी एंड हुआ है और अभी टाइम हो रहा है लगभग, कितना टाइम हो रहा है, 12:20 हो रहा है और अभी हम लोग को यहाँ से निकलना है बिलासपुर के लिए। तो काम अच्छा रहा कोरबा का एंड गाइस मैंने कहा था कि इनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा नाम, तो ये है नाम आदित्य सिंह एंड और एक भाई है, ये है सूरज रजा एंड ये एक भी ब्लॉगर है, इसको भी सब्सक्राइब कर देना, दिख नहीं रहा है, ये है त्रिलोक
त्रिलोक प्रैंक 01 करके इसका चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग 5 लोग आए थे और अनुराग को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो फिलहाल चलते हैं इस होटल को बाय बोला जाए। ये है आपका क्या था, पीली था हाँ, पीली कोठी। अपन थे पीली कोठी एरिया में और होटल का नाम था दीनदयाल। मज़ा भी आया आज काम करने में, फर्स्ट बार कोरबा में। तो फिर चलते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोग से रास्ते में। एंड अगर रास्ते में नहीं मिलूँगा तो डायरेक्ट बिलासपुर मिलूँगा आप लोग से, क्योंकि अब अंधेरे में ब्लॉग करना तो शायद मुश्किल होगा, बट देखता हूँ बीच बीच में मैं कोशिश करूँगा ब्लॉग करने का। तो चलेगा, फिर चलते हैं, चला जाए और कोरबा को बाय बाय चला जाए। तो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग अभी निकल रहे हैं 12:20 में, मतलब यहाँ से अपन को 2.5 घंटा लगेगा बिलासपुर पहुँचने के लिए। तो चलते हैं। हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर पीछे हैं, मतलब सीपत बोलना चाहिए। तो उनके फैशन प्रो में पेट्रोल ख़त्म हो गया था और हम लोग धक्का दे के यहाँ तक लेके आए हैं बाइक को। और यहाँ पेट्रोल पंप शायद खुला था बट लड़का सोया हुआ था अंदर, तो उसको आवाज़ देके उठाए और फिर यहाँ भी फ्यूल डला रहे हैं। नहीं, तो फ्यूल डला लिए हैं, भाई का धन्यवाद रहेगा, भाई उठा अपने लिए और तेल डला लिए। अपने का बाइक में भी कमी है तेल, ये और पहुंच जाएगा बिलासपुर। चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं रूम, और जो गेट है गेट का ताला लॉक है, तो लॉक खुलवाने के लिए कॉल करना पड़ेगा। छोटू को कॉल करते हैं। गेट खोल, गेट गेट ताला पहुंच गया। हाँ पहुंच गया। देखिए क्या 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 हेलमेट को रख देते हैं। कैसे आँख में? हाँ तो फंसा होगा। तो काफ़ी डस्ट था रोड में, तो पूरा धूल धूल हो गए हैं। चारा वारा धोते हैं, उसके बाद फिर लाइट भी गोल है, लाइट का वेट करते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। पूरा भाई धूल धूल। सो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट एंड सी यू गाइस।